हाय एवरीवन फ्रेंड्स, जीएसटी के नए रिटर्न्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहेंगे जिन्हें आपको अच्छे से समझ लेना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं जीएसटी के नए रिटर्न्स तीन तरह के हैं, नॉर्मल, सहज और सुगम। जहां पर जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न के फॉर्म का नाम जीएसटी आरईटी 1 है, सहज रिटर्न का नाम जीएसटी आरईटी 2 है और सुगम रिटर्न के फॉर्म का नाम जीएसटी आरईटी 3 है। और इन तीनों ही रिटर्न्स के अंडर आपको दो एनेक्सचर भरने पड़ेंगे, जीएसटी एनेक्स 1 और जीएसटी एनेक्स 2। जहां पर जीएसटी एनेक्स 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड होगा और जीएसटी एनेक्स 2 आपकी इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जीएसटी के नए रिटर्न की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो आप जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न को क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पर फाइल कर सकते हैं, जबकि सहज और सुगम रिटर्न को आप केवल क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर सकेंगे। अब अगर बात करें कि जीएसटी के इन नए रिटर्न्स नॉर्मल, सहज और सुगम को आप किस तरह से या फिर किन कंडीशंस के बेसिस पर सही सिलेक्ट कर सकेंगे, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके प्रीसीडिंग ईयर के टर्नओवर और आप जिन तरह की सप्लाईज में डील करते हैं उन्हें अच्छे से समझते हुए और उनके अकॉर्डिंग ही आपको जीएसटी के नए रिटर्न्स नॉर्मल, सहज और सुगम को सही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जहां पर यदि आपका प्रीसीडिंग ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है, तो आप जीएसटी के सहज और सुगम रिटर्न को ऑप्ट कर सकेंगे, जबकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, तो उस सिचुएशन में आप जीएसटी के सहज और सुगम रिटर्न को ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। आपको उस सिचुएशन में जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न जीएसटी आरईटी 01 को ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहे तो आपका टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपए तक का है, तो उस सिचुएशन में भी आप जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न को ऑप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्रीगेट टर्नओवर के अलावा आप जीएसटी के अंडर किन तरह की आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज में डील करते हैं उसके बेसिस पर जीएसटी के नए रिटर्न को सही आप ऑप्ट कर सकेंगे। जहां पर यदि आपकी आउटवर्ड सप्लाई B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में आप जीएसटी के सहज रिटर्न को ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। आपको जीएसटी के सुगम या फिर नॉर्मल रिटर्न में से किसी एक को ऑप्ट करना पड़ेगा। यदि आपकी आउटवर्ड सप्लाई B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो उस सिचुएशन में आप जीएसटी के इन तीनों रिटर्न में से किसी एक को ऑप्ट कर सकेंगे। जबकि आपकी आउटवर्ड सप्लाई एक्सपोर्ट रहेगी, तो उस सिचुएशन में आप जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न को ही ऑप्ट कर सकेंगे। सहज और सुगम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसी तरह से यदि आपकी आउटवर्ड सप्लाई SEZ यूनिट्स या डेवलपर्स को या फिर एक्सपोर्ट सप्लाई है, या फिर आपकी आउटवर्ड सप्लाई ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को है, तो इस सिचुएशन में भी आप जीएसटी के सहज और सुगम रिटर्न को ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। ऐसे में आपको जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपकी आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड या फिर नॉन जीएसटी है, तो उस सिचुएशन में आप जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न को ऑप्ट कर सकेंगे। आप सहज और सुगम रिटर्न को भी ऑप्ट कर सकेंगे, जहां पर आपको किसी भी डिक्लेरेशन को देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जीएसटी के अंडर आपके द्वारा जिस तरह की इनवर्ड सप्लाईज रिसीव की जाती है उनके ट्रांजेक्शन टाइप्स की, जिनके अकॉर्डिंग भी आप जीएसटी के नए रिटर्न में से किसी एक को सही ऑप्ट कर सकेंगे। जहां पर यदि आपकी इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि RCM से रिलेटेड है, तो उस सिचुएशन में आप जीएसटी के इन तीनों ही रिटर्न में से किसी एक रिटर्न को ऑप्ट कर सकेंगे। इसके अलावा आप ऐसी इनवर्ड सप्लाईज रिसीव करते हैं जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ से रिलेटेड है, तो उस सिचुएशन में आप सहज और सुगम को ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। आप केवल नॉर्मल रिटर्न को ही ऑप्ट कर सकेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आपका ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है, जिसे आप मिस कर गए थे, यानी कि मिसिंग इनवॉइसेस के क्रेडिट को आप अगर क्लेम करना चाहते हैं अभी करेंट टैक्स पीरियड में, तो उस सिचुएशन में आप मिस्ड ITC को क्लेम केवल जीएसटी के नए नॉर्मल रिटर्न में ही फिल करके क्लेम कर सकेंगे। मिस्ड ITC के क्रेडिट को क्लेम करने की सुविधा डिक्लेरेशन बेसिस पर, जैसे अपने GSTR 3B में करते आए हैं, सिर्फ अमाउंट को फिल करके, वह सुविधा आपको जीएसटी के नए सहज और सुगम रिटर्न में नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न के थ्रू ही उसे क्लेम कर सकेंगे। आपके लिए सहज और सुगम रिटर्न इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं HSN कोड्स की, जो कि 6 डिजिट्स का होता है। यदि आप जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न को ऑप्ट करते हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक का है, जहां पर आपकी सप्लाई एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या फिर SEZ से रिलेटेड है, तो आपको मैंडेटरली HSN कोड को अपने नॉर्मल जीएसटी के रिटर्न में फिल करना पड़ेगा। वहीं पर यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का होता है, तो आपको HSN कोड फिल करना ऑप्शनल रहेगा। वहीं पर फ्रेंड्स, आप अगर सहज
सहज और सुगम रिटर्न को ऑप्ट करते हैं, जहाँ पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का ही रहेगा, तो उस सिचुएशन में आपके लिए HSN कोड को सहज और सुगम रिटर्न में फिल करना ऑप्शनल ही रहेगा। इसके अलावा यदि किसी टैक्स पीरियड्स में किसी भी तरह की आउटवर्ड या फिर इनवर्ड सप्लाईज नहीं होती है, तो आपको निल रिटर्न फाइल करने की सुविधा इन तीनों ही रिटर्न्स में मिलेगी, जहाँ पर SMS अपने फोन के जरिए भेज कर भी एप्लीकेबल GST के नए रिटर्न को फाइल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, GST के इन तीन तरह के नए रिटर्न से रिलेटेड इनके बेसिक और इम्पोर्टेंट कंडीशंस, इनके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सही तरह से समझने के बाद, जो भी GST का नया रिटर्न आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपके लिए सही हो, उसे सबसे पहले आपको ऑनलाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि ट्रायल या फिर मैंडेटरी बेसिस पर GST के नए रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको अपने GST रिटर्न्स की प्रोफाइल को सेट और मैनेज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। आइए इसे देखते और समझते हैं। फ्रेंड्स, आपके टर्नओवर और ट्रांजेक्शन टैप्स के अकॉर्डिंग GST के नए रिटर्न्स में से किसी एक रिटर्न को सिलेक्ट और प्रोफाइल में ऐड करने के लिए आपको GST कॉमन पोर्टल पर आने के बाद अपने GSTN अकाउंट में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आप जैसे ही लॉगिन डैशबोर्ड पर आएंगे, तो आप यहां ठीक बीचों बीच देख सकेंगे न्यू रिटर्न ट्रायल का यह टैब, जो कि अभी रिसेंटली इनेबल किया गया है। आपको न्यू रिटर्न ट्रायल के इस टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो पेज ओपन होगा, वहां आपको अपने GST रिटर्न्स की प्रोफाइल को सेट और मैनेज करना है। यानी कि यहां मैनेज रिटर्न प्रोफाइल ट्रायल के इस पेज से आप अपने टर्नओवर, ट्रांजेक्शन टाइप्स और अभी बताई गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने लिए एप्लीकेबल सही GST के नए रिटर्न्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं GST रिटर्न की प्रोफाइल जिसे आप अभी सिलेक्ट और सेट करेंगे, वह फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, आपको अपने GST रिटर्न को सही सही सिलेक्ट करने के लिए यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके सही आंसर्स को समझते हुए सही ऑप्शंस को ऑप्ट करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाज योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर अप टू ₹5 करोड़। यानी कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर क्या 5 करोड़ रुपए तक का था? यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक का रहता है, तो उस सिचुएशन में आपको नो बटन पर क्लिक करना है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से अधिक का रहता है, तो उस सिचुएशन में आप सहज और सुगम GST के रिटर्न को ऑप्ट नहीं कर सकेंगे और नॉर्मल GST रिटर्न को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, और उसकी फाइलिंग आपको मंथली बेसिस पर करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही आप नो बटन पर क्लिक करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं बाकी के सभी ऑप्शंस इनएक्टिव हो गए हैं, और फिर सबमिट के इस बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक वार्निंग का मैसेज आएगा, जहाँ पर बताया जा रहा है, यू विल बी फाइलिंग योर रिटर्न्स एट मंथली फ्रीक्वेंसी एंड टाइप ऑफ रिटर्न एस GST RET1, डू यू विश टू कंटिन्यू। यानी कि आपका टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपए से अधिक का है, तो उस सिचुएशन में आप GST के नए रिटर्न्स में से GST RET1 यानी कि GST नॉर्मल रिटर्न को ऑप्ट कर रहे हैं, और इसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी मंथली रहेगी। अगर आप एग्री करते हैं, तो आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको GST के नॉर्मल रिटर्न को मंथली बेसिस पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चनर्स, तो आप अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ रिप्लाई इज यस एट सीरियल नंबर 1, डू यू इंटेंड टू फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। यानी कि यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम का रहता है, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपने GST के नए रिटर्न को क्वार्टरली फाइल करें या फिर मंथली फाइल करें। यदि आप मंथली फाइल करना चाहते हैं, तो आप नो बटन पर क्लिक करें, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको इन तीनों रिटर्न्स में से किसी भी एक रिटर्न को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है, और आप अगर चाहते हैं अपने रिटर्न को क्वार्टरली फाइल करना, जो कि ज्यादातर GST टैक्स पेयर्स के लिए सुटेबल रहेगा, तो आप यहां पर यस के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं पॉइंट 3 में तीन तरह के रिटर्न, सहज, सुगम और क्वार्टरली नॉर्मल के सामने जो बॉक्सेस आप ऑफ कर सकते हैं, वह पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। अब आप इनमें से जो भी रिटर्न आपके टर्नओवर और ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग सही लगे, उनमें से किसी एक को आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपने अगर गलती से किसी एक को ऑप्ट कर लिया है, वापस इस सिलेक्शन को डिसिलेक्ट करें और जो भी आपके लिए सही रिटर्न हो, उसके सामने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम फॉर द टाइमिंग चाहते हैं कि हमारे लिए सुगम रिटर्न सही होगा, तो हम यहाँ पर सुगम रिटर्न पर टिक करके इसे ऑप्ट करेंगे, और
यदि आपको इन तीनों रिटर्न्स के बारे में अभी बताई गई कंडीशंस नहीं क्लियर हो तो आप इन तीनों ही रिटर्न्स के सामने दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इनके बारे में और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। फिर जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उन्हें ऑप्ट करते हुए आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से वार्निंग दी जाएगी जहाँ पर बताया जा रहा है कि यू हैव सिलेक्टेड टू फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी एंड टाइप ऑफ रिटर्न एज सुगम, डू यू विश टू कंटिन्यू। आपने अभी जो रिटर्न सिलेक्ट किया है वो है सुगम और इसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी क्वार्टरली। यदि आप इससे सहमत हैं तो आप यस के बटन पर क्लिक करें और साथ ही यह भी बताया जा रहा है इट मे बी नोटेड दैट यू कैन चेंज योर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी एंड और रिटर्न टाइप इन मैनेज रिटर्न प्रोफाइल सेक्शन। आप यहां पर से जो भी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी और रिटर्न टाइप को सिलेक्ट करेंगे उसे आप चाहेंगे कि चेंज करना तो उसे आप चेंज कर सकेंगे मैनेज रिटर्न प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर। तो फ्रेंड्स अगर आप सहमत हैं तो आप यस के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए नए जीएसटी रिटर्न जिसे आपने अपनी जीएसटी रिटर्न की प्रोफाइल में सेट किया उससे रिलेटेड डैशबोर्ड एक क्रिएट हो जाता है। यहां पर से आप अपने लिए एप्लीकेबल रिटर्न को ऑप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इनका जीएसटी एनेक्सर 1 या फिर जीएसटी एनेक्सर 2 सिलेक्ट करना है और फिर आप इस रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करना चाहेंगे या फिर ऑफलाइन फाइल करना चाहेंगे उसे फाइलिंग मोड या फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप अगर इस तरह से मैनेज प्रोफाइल को सही सही सिलेक्ट कर लेते हैं और वापस चाहते हैं कि इनमें जो आपने सिलेक्शन किया है उसे चेंज करना या फिर उसे एडिट करना तो आपको वापस इस सर्विसेज वाले टैब पर आना है और यहाँ पर रिटर्न्स वाले इस टैब पर आना है और यहाँ पर मैनेज रिटर्न प्रोफाइल ट्रायल के इस लिंक पर क्लिक करना है। तो आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए फाइलिंग फ्रीक्वेंसी और रिटर्न टाइप को चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर फिर से मिल जाएगा। और एक बार आप अपने जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर आकर अपने जीएसटी के नए रिटर्न को फाइल कर सकेंगे और जीएसटी के नए रिटर्न को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जीएसटी के नए रिटर्न कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इन तीनों ही रिटर्न्स के अपने अपने, इनसे जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं और कैसे हम अपने टर्नओवर और ट्रांजैक्शन टाइप्स के अकॉर्डिंग अपनी जीएसटी रिटर्न्स की प्रोफाइल को सिलेक्ट और मैनेज कर सकते हैं। यहां तक का प्रोसेस पूरे सही तरह से कंप्लीट होने के बाद ही आप जीएसटी के नए रिटर्न को फाइल कर सकेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे जीएसटी के नए रिटर्न्स को फाइल करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस या फिर कोई फीडबैक देनी हो तो उसे आप कमेंट करें, हम उन कमेंट्स का जरूर से रिप्लाई करेंगे। आई होप जीएसटी के नए रिटर्न्स से रिलेटेड यह वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है और सीखने को मिला है कुछ नया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा औरों के साथ शेयर करें और उन तक भी जीएसटी के नए रिटर्न्स की सही इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करके उनकी हेल्प करें। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लें। टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स और बहुत से अदर एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल बटन एंड स्टे ट्यून टू अवर चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया फॉर मोर अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।